आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज कलेक्ट्रेट कचहरी आजमगढ़ पर शिवमोहन शिल्पकारी सदस्य ZRUCC मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति मंडल रेलवे वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे आज अपने प्रेस वार्ता में मीडिया बंधुओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि आजमगढ़ स्टेशन आदर्श स्टेशन घोषित करने का कार्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने किया था, साथ में बड़ी लाइन की भी घोषणा की गई थी, उसके बावजूद आज तक उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। जबकि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पूर्वांचल का सबसे ज्यादा रेल विभाग को आमदनी देने वाला स्टेशन है। ये मॉडल स्टेशन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बन पाया है, बल्कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ रेलवे के फुटपाथ पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है। रेलवे के मुख्य मार्गों पर गाड़ियाँ ट्रक आदि खड़ा करके जाम लगा दिया जाता है, जिससे रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर शुल्क शौचालय न होने के कारण तमाम गंदी है। इन सबको निजात दिलाने के लिए बहुत ही जल्द आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया जाएगा और वहां के RPF GRPF के अधीक्षकों के साथ स्टेशन अधीक्षक से वार्ता की जाएगी और वहां की सारी सुविधा की जानकारी मंडल प्रबंधक एवं महाप्रबंधक के साथ साथ रेल मंत्री को अवगत कराया जाएगा। आजमगढ़ स्टेशन को वास्तव में आदर्श स्टेशन बनाने का कार्य किया जाएगा और हम अपने जनमानस से अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील करते हैं कि किसी को अगर कोई तकलीफ स्टेशन के अंदर या बाहर होती है, हमारा टिकट काउंटर के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके सूचना देने का काम करें ताकि हम जो भी समस्या हो उसका निजात दिला सके। आज हम सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं जो जनहित के बारे में मुझसे प्रश्न किया है। हम वास्तव में समस्त आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की कमियों को दूर करके साथ साथ आजमगढ़ के विकास के लिए पूर्व में भी रेल आजमगढ़ से मुंबई दिल्ली कोलकाता के लिए मांग किया गया था और हम बहुत जल्दी इंटरसिटी लखनऊ चलाने की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। आप मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे के सदस्य हैं। आजमगढ़ रेलवे जो कि एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में मान्यता प्राप्त है, फिर भी वहाँ पर तमाम दुर्व्यवस्थाएँ हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, हम शिवमोहन शिल्पकार रेल मंत्रालय ZRUCC सदस्य भी हैं, साथ ही आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन स्वर्गीय रामविलास पासवान जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने घोषित किया था। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आजमगढ़ मंडल रेल आजमगढ़ रेलवे स्टेशन जो है अपने उपेक्षा का शिकार हो गया है। यहाँ पे जो है जो विकसित होना चाहिए, जिस तरह आदर्श स्टेशन बनना चाहिए, अभी कोसों दूर है। इस पर विभागीय कमियाँ हैं जो नज़रअंदाज लोग करते हैं, इस पर उनका ध्यान आकर्षित कराने का काम हम रेल मंत्रालय के माननीय मंत्री और पूर्वोत्तर रेल के GM और वाराणसी मंडल के DRM महोदय से कराने का काम करेंगे। रेलवे स्टेशन का जो रोड है, जो मुख्य रोड है, उस पर अक्सर देखा जाता है पटरियों पे जाम लगा रहता है, उस पर चार पहिया वाहन खड़ा कर दिया जाता है, अतिक्रमण रहता है, इस पर आप क्या? सबसे बड़ी बात है कि वहाँ GRP है, RPF है, वहाँ के अपने कार्यों से मुस्तैद नहीं होने के कारण इस तरह के अतिक्रमण और जाम लग रहे हैं। मैं इस पर भी जो है बात करूँगा। यहाँ के जो है जो भी जो यहाँ पे RPF के अधीक्षक हैं और GRP के अधीक्षक हैं, उनसे बात करूँगा कि जो इस तरह के अतिक्रमण न हो, जो पार्किंग व्यवस्था हो वहाँ पर रहें और जो फुटपाथ है वो अक्सर खाली होना चाहिए, क्योंकि लोगों का आवागमन बाधित ना हो। लोग अक्सर नीचे से जाते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, जाम लग जाते हैं, इसकी व्यवस्था से निजात दिलाने का काम करेंगे। रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत गंदगी है, बाहर शौचालय भी नहीं है, वहाँ पे आने जाने वाले यात्रियों को भारी समस्या होती है, इससे इसके बारे में आपका क्या सुझाव है और क्या? COVID-19 का ये माहौल चल रहा है, इसमें तो सबसे पहले जो वहाँ के अधीक्षक हैं उनको ये चाहिए था कि अपना प्रस्ताव बना के जो बाहर पे एंड यूज शौचालय का जो है भेजें, जहाँ पर इस तरह के तमाम स्टेशनों पर बाहर रेलवे स्टेशन के लोग होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं, इससे खेत गंदगी का भरमार लगा हुआ है, उसको सुधार कराया जाएगा और जल्द से जल्द जो है शौचालय का निर्माण करने की मांग की जाएगी। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पे कभी कभी जहर खुरानी के अभी लोग शिकार हो जाते हैं, सुरक्षा की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहें?
सुरक्षा की व्यवस्था का कार्य आरपीएफ का और जीआरपीएफ का है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कभी कभी हम भी स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था में नहीं, लोग अपने कुर्सियाँ तोड़ते हुए नज़र आते हैं और हम अंदर बैठ कर जो सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, इससे बहुत ही खेद का विषय है कि जो पब्लिक सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसके बारे में हम डीआरएम और जीएम महोदय से बात करेंगे और उसके ऊपर भी हम लिखा पढ़ी करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद हो और साथ में जो है वहाँ की सुरक्षा एकदम सकुशल हो ताकि आजमगढ़ स्टेशन वास्तव में आदर्श स्टेशन बन सके। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ टिकट काउंटर पर दलाल उपस्थित रहते हैं, अगर किसी को तत्काल टिकट लेना हो तो वहाँ पे काउंटर से नहीं मिल पाता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर टिकट काउंटर पर दलालों का भीड़ कहीं कहीं किन्हीं कर्मचारियों की मिली भगत के कारण है। मैंने इसके बार कई बार शिकायत हमारे पास आई है, खुद मौके पर गए हैं, दलालों का भीड़ लगा रहता है। दलालों के प्रति संवेदनशील है वहाँ की आरपीएफ जो उनके प्रति स्नेह प्रेम बरसाती है, सुबह से ड्यूटी पे वहाँ पे नहीं रहने के कारण वहाँ पे कभी नहीं रहती है और कहने के बावजूद आते हैं। कुछ लोग स्थानीय लोग उसमें आरपीएफ में हैं, कुछ स्थानीय सिपाही के रूप में या हवलदार के रूप में आते हैं जो अपना वहाँ सिक्का सेट करके रखा हुआ है। और मैं चाहूँगा कि डीआरएम महोदय और जो हमारे यहाँ के आईजी होंगे रेल के, मैं उनसे कहूँगा किस तरह के आरपीएफ कर्मचारियों के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई करें ताकि इस तरह के दलालों का भरमार जो हमारे स्टेशन पर न बचे। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर कोई प्रतीक्षालय नहीं है, कोई अगर मान लीजिए कोई यात्री आ रहा है अगर उसे रुकना पड़े तो बाहर रहना पड़ता है खुले में, इसके बारे में कोई सुझाव हैं आपके? इस पर हम प्रस्ताव बनाने फरवरी महीने में रेलवे स्टेशन आजमगढ़ का दौरा किए थे, जो भी कमियां थी उस पर हम कहते थे कि कोरोना काल आने से कोविड-19 की वजह से उस पर अभी कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन अब बहुत जल्द ही हम इस पे मुद्दा उठाएंगे और मांग करेंगे कि यहाँ पे एक प्रतीक्षालय हो, बाहर कुर्सियाँ हो, जो टूटे फूटी व्यवस्थाएँ उनको सुधार किया जाए और आदर्श स्टेशन आजमगढ़ वास्तव में बहुत बढ़िया मॉडल स्टेशन होना चाहिए और एक सुंदर स्टेशन है। सबसे ज़्यादा पूर्वांचल का पैसा कमाने वाला स्टेशन कोई है तो आजमगढ़ है, जो अपने मूलभूत समस्याओं से ग्रसित है और विकास से काफ़ी दूर है। इसको विकसित कराने का मेरा सबसे प्रथम काम है कि मैं इसको आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को वास्तव में आदर्श स्टेशन बनवाऊंगा। यहाँ के जनपद वासियों की बहुत दिनों से मांग चल रही है कि लखनऊ के लिए कोई इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाए, इस पर भी आप कोई सुझाव? हाँ, इस पर भी हमारा विचार, इसके पूर्व में भी हमने 3 ट्रेनों का मांग किया था 2020 में मार्च महीने में, पीयूष गोयल जी मंत्री थे और आजमगढ़ से हम 3 ट्रेन मांग किए थे, एक मुंबई के लिए, एक कलकत्ता के लिए, एक दिल्ली के लिए, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से कलकत्ता के लिए, सिबली नुमानी के नाम से हमने मांग किया था मुंबई के लिए और दिल्ली के लिए बाबू विश्राम राय जी के नाम से हमने ट्रेन चलाने की मांग किया। इंटरसिटी की बात है तो इंटरसिटी चलने से आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे हो जाएगा, डबल लाइन का कार्य जो है जो तेज़ी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है, इस तरह स्टेशन का आजमगढ़ का विकास रुका हुआ है। मैं इस पर भी चर्चा करूँगा और प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द ये सब मांग हमारी पूरी हो। थैंक यू। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।